हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। महाराष्ट्रात अनेक भागात दुष्काळ असल्याने नागरिकांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागतोय। पाण्यासाठी तारेवरची कसरत करत पाणी साठवून ठेवावं लागत असून या पार्श्वभूमीवर भुसावळकरांनी पाण्याचा सदुपयोग करत नवीन योजना राबवली आहे। येथील रेल्वे प्रशासनाने वसाहतीमधील सांडपाणी व नाल्याचे वाहून आलेले पाणी रिसायकलिंग करून प्लॅटफॉर्म तसेच गाड्या धुण्यासाठी उपयोगात आणले। तसेच या परिसरातील झाडांना देखील या माध्यमातून जलसाठा पुरवला जात असून या रिसायकलिंग पाण्यावर तब्बल 290 तांब्याची आणि सागवानची झाडे जगवली जात आहेत। बहुत बड़ी स्प्रेड कॉलोनी है, करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें से 3 स्क्वायर किलोमीटर प्लस स्टेशन, इसका पानी हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया है यहाँ नाले में। वो करीब 40 लाख लीटर पानी रहता है। ये 40 लाख लीटर पानी हम लोग रिसाइकल करके वापस, जैसी ग्रीनरी आप देख रहे हैं उसके लिए और स्टेशन के वॉशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये पानी रिसाइकल करने से एक तो पानी बहुत बचत होती है और जो रेलवे का रेवेन्यू है, जो पानी हमको लेना पड़ता है, वो भी बचत होता है। जैसे सबसे पहले नाले में पानी आता है उसको हम पंप करते हैं, पंप करके एक लेवल में लाते हैं। पंप करते वक्त हम पहले उसको कोर स्क्रीन करते हैं, मीन जो उसमें कचरा ना आना चाहिए करके स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद में ये स्क्रीन चेंबर में आता है। स्क्रीन चेंबर में उसमें फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, वो स्क्रीन करके उसके ऊपर जो ऑयल रहता है वो ऑयल निकाल के, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में ऑयल नहीं चाहिए। हाँ, ये वॉशिंग के लिए होता है। नहीं, ये पानी अभी की जो ये पहली ट्रीटमेंट है, ये पहली ट्रीटमेंट के बाद में ये पानी सिर्फ वॉशिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है। इसके बाद में मनमाड़ में अभी रिसाइकलिंग प्लांट छोटा सा चालू किया है, उसके बाद में अकोला और 3-4 स्टेशन पे करने का प्रयोजन है। हमें भी ये अकोला में भी प्रपोज किया हमने, तो मनमाड़ में तो काफ़ी राहत मिली है ये पानी आने से। जैसे रिसाइकल करते पानी, वो कॉलोनी का पानी जो है, वो कॉलोनी का पानी हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं। वहाँ स्टेशन पे अपरन नहीं है। यहाँ जैसे स्टेशन पे अपरन है तो स्टेशन का पानी भी आ सकता है, वहाँ स्टेशन में इतना अपरन नहीं है, तो कॉलोनी का पानी हम लोग रिसाइकल करके वो वॉशिंग साइडिंग में, जैसे गाड़ी वॉश करने के लिए वहाँ यूज करते हैं। यावेळी आणखी झाडे लावणार असल्याचं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलंय। दरम्यान भुसावळ रेल्वे स्थानकावर हा प्रोजेक्ट सुरू केला असून आणखी रेल्वे स्थानकावर असा प्रोजेक्ट राबवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असणार आहे। जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत प्रियंका, इंडिया अप टू न्यूज, मराठी। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।